हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ सरस्वती इंग्लिश एकेडमी के बच्चों, अभी हम आपको ज लिखना सिखाएंगे। ज से जग, ज से जवान। अब आपको ज से जग और ज से जवान वाला ज लिखना सिखाएंगे। तो बच्चों, आप जो हैं अपनी फाइव लाइन की कॉपी निकालिए, पेंसिल लीजिए और मेरे साथ ज से जग और ज से जवान लिखना सीखिए। देखिए बच्चों, ये आपके जैसे जग का पिक्चर है, चित्र है। ये क्या, किसका पिक्चर है? जैसे जग का। देखिए, ये आपके जैसे जग का पिक्चर, ओके। और ये आपका है जैसे जवान। जवान होते हैं ना, फौजी, जैसे जवान। तो ये दोनों जैसे जवान और जैसे जग, ये दोनों अक्षर मैं आपको लिखना सिखाऊंगा, ओके बच्चों। तो अभी हम लिखेंगे जैसे जवान या जैसे जग। बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले ये है नंबर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट है। और यहाँ से हमारा नंबर सेकेंड, ये फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, और ये हो गया थर्ड, और ये फोर्थ। ये हो गया जैसे जग या जैसे जवान। लिखिए बच्चों, पहले आप ऐसे बनाइए, फिर यहाँ से आप लाइन उठाइए, वहाँ तक ले जाइए, फिर ये लाइन खींचिए थर्ड नंबर वाली, ये होगी फोर्थ। तो इस प्रकार से हम जैसे जहाज या जैसे जग या जैसे जवान लिखना सीख रहे हैं, ओके। लिखिए बच्चों, ये नंबर फर्स्ट। अब ये हमारा नंबर सेकेंड, ये हो गया थर्ड, फोर्थ। इजी है ना बच्चों? बिल्कुल इजी है। लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको भी फर्स्ट बना सकते हो, और इसको सेकेंड, इसको थर्ड, और इसको फोर्थ। ऐसे भी लिख के आप इजीली समझ सकते हो। लिखिए लिखिए बच्चों, या फिर आप लाइन खींच के भी लिख सकते हो। लिखो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से ये होगी, इसको आप फर्स्ट मान सकते हो, इसको सेकंड मान लो, ये तो थर्ड ही रहेगी, और ये लास्ट में, ये इसमें तो आपको प्रॉब्लम है नहीं। कोई भी अक्षर लिखने के उसके बाद में उसके ऊपर जो लाइन तो खींचनी होती है, तो ये बिल्कुल ईजी है ना? ये हो गया ज। क्या हो गया बच्चों? ज। लिखिए, ये हमारा ज बन गया। कौन सा अक्षर बन गया? ज। बिल्कुल इजी है। ये हमारा ज बन गया, ओके। आप इस ज को अपनी कॉपी में लिखना है। आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, बिल्कुल सुंदर राइटिंग होनी चाहिए बच्चों, तब आप समझ पाओगे। लिखो बच्चों, ज लिखो। जैसे जग, जैसे जवान। और अब हमारा आता है जैसे झंडा, हमारा तिरंगा झंडा। तो अभी हम क्या लिखना सीखेंगे बच्चों? जैसे झंडा। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है, भले ही इसमें स्टेप बहुत अधिक हो, लेकिन बिल्कुल सिंपल सा है, ओके। जिस प्रकार से इसे इमली लिखते हैं ना, बस आपको इसे इमली लिखना है, और उसके बाद में बिल्कुल थ्री स्टेप लेके आपका जैसे झंडा बन जाएगा, ओके। पिक्चर्स देखिए जैसे झंडा का। ये देखिए बच्चों, ये हमारा फ्लैग। इंग्लिश में झंडे को क्या बोलते हैं?
फ्लैग और ये हमारा तिरंगा झंडा, अवर इंडियन फ्लैग, हमारा राष्ट्रीय ध्वज, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, इसको तिरंगा झंडा कहते हैं, ध्वज बोलते हैं। ओके, तो जैसे झंडा भी बोल सकते हैं और जैसे जहाज जैसे जग भी होता है वो वाला जग, जैसे जवान, और अब हम सीख रहे हैं जैसे झंडा। क्या सीखेंगे बच्चों? जैसे झंडा। तो अब जैसे झंडा हम लिखना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज। देखिए बच्चों, अब हम लिखेंगे जैसे झंडा वाला ज, जैसे झंडा वाला ज, बिल्कुल सिंपल है बच्चों। ये नंबर फर्स्ट, ये नंबर फर्स्ट है, और यहां से अब एक लाइन खींचते हैं तो ये हो जाता है नंबर टू, दो नंबर हो गया। फिर यहां से एक लाइन खींचते हैं यहां तक आएंगे, ये हो गई नंबर थ्री, थ्री हो गया। फिर यहां से गांठ लगा के नीचे लाते तो ये फोर, और ये नीचे हो गया फाइव। ये वन, ये और टू, फिर ये आगे थ्री, ये फोर और ये फाइव। आप इसे एक या इसे इमली, जिस बच्चे को लिखनी आती है वो जैसे झंडा इजीली लिख सकता है, आराम से जैसे झंडा लिख सकता है। तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव, पांच स्टेप हो गए। अब क्या करना है बच्चों? अब लाइन खींचो, खींची बच्चों लाइन, ये होगी सिक्स, ये हो गया सेवन और ये हो गई एट। पहले आप इसे इमली लिखना आता है ना वो लिख लो, फिर यहां से यहां लाइन और ये जैसे झंडा हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। वापस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर फाइव सिक्स और सेवन और एट, ये हो गया जैसे झंडा, बिल्कुल आसानी से लिखा जा रहा है बच्चों। लिखिए अपनी कॉपी में, लिखिए बच्चों जैसे झंडा अपनी कॉपी में लिखिए। राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ओके, तो ये हो गया जैसे झंडा, बिल्कुल इजी है। आप इसे इमली लिखो पहले, ऐसे लिखते हो ना, फिर यहाँ से लाइन खींच के सीधी लाइन, और ये स्लिपिंग लाइन भी बोलते हैं इसको, जैसे झंडा हो गया। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन एंड एट, बिल्कुल सिंपल सा है। इस प्रकार से हमने जैसे जवान, जैसे झंडा लिखना सीखा। ओके, और कोशिश कीजिए, लिखिए बच्चों। इस प्रकार से लिखिए, ओके, ये हो गया जैसे जवान और जैसे झंडा। तो ये दोनों अक्षर जो है आप अपनी कॉपी में लिखिए, राइटिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, पेंसिल से काम कीजिए और धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से काम कीजिए, जिससे आपकी राइटिंग अच्छी रहेगी और आपको लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, कीजिए अपना वर्क, कीजिए कंप्लीट, कीजिए अपना वर्क। फाइव लाइन की कॉपी बनाइए और उसमें पेंसिल से आपको अपना वर्क कंप्लीट करना है। यह रहा आपका जैसे झंडा, यह आपका क्या है? जैसे झंडा। और ये रहा आपका जैसे जवान, इंडियन आर्मी मैन। और ये रहा हमारा जैसे जग। इस प्रकार से हमने
ये अक्सर सीखे, जैसे जग, जैसे जवान और जैसे झंडा, राष्ट्रीय ध्वज। ओके लिखिए बच्चों अपनी कॉपी में, अक्सर आपके अच्छे होने चाहिए और पूरे पेज पे आपको काम करना है। ओके कीजिए काम। तो इस प्रकार से हमने अ से लगा के ज से झंडा तक के अक्षर सीखे और इनके पिक्चर्स भी हमने देखे और हमें पहचान भी आता है कि जैसे झंडा कौन सा है, जग कौन सा है, जवान कौन सा है। फिर क्योंकि जब टेस्ट लेंगे तो हमको आपको मैच करना सिखाएंगे, इसलिए आपको आराम से इजीली सारे पिक्चर्स को देख के उनको याद भी रखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, कीजिए अपना काम कीजिए।